ये कौन दिख गया मेरे को? क्या हुआ? देखो एमटी वाला सामने, वो कंटिन्यूअस मेरे को भरका रहा है लाइफ, जिसके लिए इतना मेरा सब कुछ चेंजेस आ रहा है लाइफ में। सो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। थैंक यू, ठीक कर दो दोनों। आशिया एवेंजर्स असेंबल। यार ये तो बवाल हो गया, पूरा गांव के अंदर से जाते हुए निकलने वाला हूँ टूवर्ड्स माई होम टाउन, दैट इज कुचबिहार। सो टुडेज राइड इज गोना बी 750 किलोमीटर्स ऑफ रॉ राइडिंग फ्रॉम हियर अंटिल माई होम। जो मेरे साथ जाने वाला है वो है अपना क्लासिक 500, अपना नहीं मतलब मेरा दोस्त स्वप्निल का क्लासिक 500 लेके मैं जा रहा हूँ। तो एनीवेज आई एम प्रीटी डैम लेट, इट्स ऑलरेडी 6:30 AM इन द मॉर्निंग। सो चलो चलते हैं, बाइक में मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग मूड में एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। ऑलरेडी सेट टू लीव फॉर होम। सो दिस इज द ओयो टाउन हाउस 209 हैबिटेट। बैग्स आर पैक्ड, ऑल सेट, लेट्स गो। अभी इसको अभी क्या, ये क्या सीन है, ये मेरे को कोई जुगाड़ नहीं मिला। 7 AM राइट नाउ। सो हैड अ गुड नाइस कप ऑफ टी, थोड़ा केक बिस्किट खा लिए, यहाँ का फेमस बापूजी केक। तो आज जो सीन है वो है कि मैं जाने वाला हूँ कृष्णनगर का रूट से नहीं, बर्धमान का भी रूट से नहीं, ये एक दूसरा रूट है। लोकल राइडर सजेस्टेड मी टू गो थ्रू दिस रूट, ओल्ड दिल्ली रोड पकड़ के, मतलब यहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा डनलॉप होके, दक्षिणेश्वर जो टेम्पल है वो ब्रिज पकड़ के मेरे को डायरेक्ट, आई थिंक देयर विल बी सम पार्ट ऑफ बेलघोड़िया एक्सप्रेस वे, वो होने के बाद मैं ओल्ड दिल्ली रोड पकड़ के बेसिकली आई विल बी जॉइनिंग अप इन बहरमपुर, उसके बाद से जो नॉर्मल वाला रूट है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं यही रूट फॉलो करने वाला हूँ फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, एज फार एज द पर्सन टोल्ड मी कि ये रूट में उतना ख़राब रास्ता गड्ढा नहीं मिलेगा, थोड़ा बम्प्स मिल सकता है, बट एज कम्पेयर टू दोज टू अदर रूट्स दिस रूट इज़ बेटर। ये कौन दिख गया मेरे को? क्या हुआ विश्वरूप पॉज ब्लॉग, की खबर ठीक है ना? এটা ডাইরেক্ট তোর এই যে তোর দক্ষিণেশ্বর যে টেম্পলটা আছে না ওই রাস্তা দিয়ে উঠবে, বালি হয়ে ঠিক আছে না, ওই রাস্তা দিয়ে যাও তুমি, তুমি নবদ্বীপ হয়ে ঢুকবা, ডানকুনি ক্রস করার পরে ডানকুনি টোল ট্যাক্সটা ক্রস করবা, ক্রস করে ডান দিকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটা নবদ্বীপ দিয়ে উঠবা, রাস্তাটা বাম্পার আছে, কৃষ্ণনগর রুটটা থেকে তো অনেক ভালো, অনেক ভালো, অনেক, হ্যাঁ ওইটাই ওইটাই ওইটা, সাবধানে যাও। হ্যাঁ চ, কুচবিহার কা এক ব্রাদার মিল গিয়া থা, মেরা ভাই কি তরহ হি হ্যায়, তো এনিওয়েজ थोड़ा बाद, वो यहाँ पे स्टे करता है, उसका ऑफिस है यहाँ पे। तो एनीवेज सो मिल लिया एंड अभी चलो चलते हैं टूवर्ड्स आवर होम। ठीक है ना, ना दियो ना दियो, कार्ड ना कैश हो, 1025। ओके तो ये जो है ये बेलघोड़िया एक्सप्रेस वे का स्टार्टिंग है यहाँ से, ठीक है, सीधा जाता है कृष्णनगर, जी हाँ जहाँ से मैं हर वक्त जाता हूँ और आता हूँ, तो मेरे को ये वाला रूट लेना पड़ेगा। एक बार मैं आगे जाके मैप को कंफर्म कर लूँ, उसके बाद आई एम गुड टू गो। Which I am getting through this route, पता नहीं सामने सिंगल लेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, I have no idea about it। इस रोड का खासियत क्या है पता है आपको? बेकरी का इतना अच्छा अच्छा खुशबू आ रहा था यार, भूख ही लग गया मेरे को, इतना अच्छा स्मेल आके। ओके
ओके तो यहाँ पे एक गलती मत करना, सीधा मत चले जाना, सीधा अगर जाओगे तो बर्धमान का वो वाला पुराना वाला रूट लेना पड़ेगा आप लोग को। कल्याणी का जो रूट है, ये कल्याणी का रूट से आपको घूम के टूवर्ड्स कृष्णनगर जाना है, ठीक है। क्या रोड है भाई, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी रोड मिलेगा कोलकाता से निकलने के वक्त। छोटा छोटा बम्प है, बट आई एम जस्ट नीट पिकिंग गाइस, इतना तक मैं आया। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रूट मैन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रूट एवर टू टेक व्हाइल ऑन योर जर्नी फ्रॉम कोलकाता टू कूचबिहार या कोलकाता टू सिलीगुड़ी, व्हाट एवर इट माइट बी। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, सो अभी पहुंच गए कृष्णनगर। ये रहा हाईवे, ये रहा डाइवर्शन, ठीक है। अभी मेन हाईवे पे ज्वाइन हो गया, 7 बजे निकले थे, अभी लगभग 10:30 बज रहा है मोस्ट प्रोबेबली, तो 3.5 घंटा हो गया ऑलरेडी। अभी थोड़ा रुक के रेस्ट लेना पड़ेगा, कमर दुख रहा है मेरा। भाई साहब मैं ये एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, वो जो ओल्ड दिल्ली रोड है वो लेने से मतलब आपका ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैप में आप लोकेशन मारोगे ना तो कोलकाता से अगर आप सॉल्ट लेक साइड से आ रहे हो या इस साइड से भी जा रहे हो तो मैप में ओल्ड दिल्ली रोड दिखा देना, ठीक है। ओल्ड दिल्ली रोड मतलब वो स्टॉप ऐड कर देना, फिर आपको सही से एकदम अच्छी रास्ते से लेके जाएगा। मैं आपको जैसे दिखा दिया ना कि कितना अच्छा रास्ता है, सिंगल लेन रोड है, फिर भी काफ़ी चौड़ा है एंड बम्स भी कम है एंड ख़राब तो है ही नहीं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा घूम के आना पड़ता है, बट इट इज़ वर्थ इट। If you guys know, you know, or else if you don't know, then always take the old Delhi road. That's gonna save a lot of time of yours and time se bhi bada cheez hai, aapka energy bachayega, theek hai. Tabhi garam garam chai peete hai, uske baad yahan se hai Borhampur 50 kilometers, aaram se chalte hai. Hey, recording chalu, bolo, kisher ko bolo. YouTube hai? হ্যাঁ সবাই আসছে, তুমি তো সবাই আসছো। দ্য ক্রুজ লাইফ, দ্য ক্রুজ লাইফ সার্চ করে পেয়ে যাবা। চলো তাহলে বেরোই। छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक था, चाय ब्रेक ले लिया, एक स्टेटस अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम में। तो मैं मतलब इंस्टाग्राम में हर वक्त ऐसा स्टेटस अपलोड करता रहता हूँ जब भी मैं राइड पे जाता हूँ। तो आप लोग अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो यू कैन फॉलो मी अप, यहाँ पे लिखा है THE_CRUISE_LYF लाइफ, द क्रूज लाइफ। कि ऐसा सीन है कि ना मेरे को थोड़ा बहुत नींद आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। 11 बजे तक मैं बिस्तर पर एकदम लेट गया था, आई लिटिल टर्न ऑफ एवरी लाइट्स एंड आई वॉन्टेड टू स्लीप, बट किसी कारण में ना 1:30 बजे तक मेरा नींद नहीं आया। आई वॉज लिटरली लाइक मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा था, आई डोंट नो वाई। उसके बाद ना मैं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा होने का कारण ये है कि जब आपके लाइफ में कुछ होने वाला है या कुछ आने वाला है या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है या करने वाले हो, उस टाइम में ना आपके शरीर में एक अलग सा डोपामिन लेवल क्रिएट हो जाता है, जिसके लिए आपका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, आपका एंग्जाइटी बढ़ जाता है, आपका खुशी बढ़ जाता है, जो भी हो, ठीक है। मैं ख़राब साइड से नहीं बोल रहा हूँ बट होता है, ठीक है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोना कम, ठीक है, बट समथिंग इज़ गोइंग टू कम इन माई लाइफ जिसके लिए इतना मेरा सब कुछ चेंजेस आ रहा है लाइफ में। सो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। आप अगर आप लोग को समझ में आ गया देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि क्या समझ में आया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ दिन ठहरिए, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी यार, अच्छा अच्छा, ये फॉग लाइटर क्लैम्पटा ना ভেঙে গেছে, এটা কিছু করা যাবে? দেখো তো চুড়িগুলো দিয়ে লাগানো হয়েছিল, এটা চুড়িগুলো ভেঙে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ফুটো আছে। ওহ, লেটস সি। দাদা এই জায়গার নাম কি? দেবগ্রাম। দেবগ্রাম জানে কে দিন ও वाला সাইড টুটা था, अभी ये वाला साइड का एक चूड़ी टूट गया, तो अभी सोचा कि चलो गैराज मिल गया तो ठीक करा लेते हैं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, हो गया है फिक्स, एज यू कैन सी यहां पे ये लगा दिया, स्क्रू से लगा दिया,
अभी इसका शायद तक टूटने का चांसेस नहीं है। थैंक यू, ठीक कर दो दोनों। आसिया, मैं अब जब हाईवे से जाओगे ना, ये रॉयल इनफील्ड का शोरूम है, हीरो का शोरूम, सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। उसी के बाजू में है भैया का दुकान, ठीक है, सरफराज ऑटो सेंटर। चलो, ये ना टूटे बस वही है, अभी खींचना है बिकॉज प्रिटी डैम लेट। Avengers assemble. Hey, kaka. Dalao. अभी हम पहुंच चुके हैं बहरमपुर में, एंड यू कैन सी दिस आर द ट्रक्स, दिस आर द लाइंस, दिस आर द जैम्स। तो मेरे को लगा बहुत जोर का भूख, बिकॉज मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ दो कप चाय, एक बाबूजी केक एंड एक बिस्किट, तो वही खा के मैं अभी चल रहा हूँ। तो अभी तो लगभग 12:30 बज रहा है मोस्ट प्रोबेबली, तो भूख तो बहुत लग गया, लेकिन आई वोंट स्टॉप हियर बिकॉज इतना कष्ट उठा के मैं जो ये सब ट्रक्स को ओवरटेक किया, मेरे को नहीं तो फिर से करना पड़ेगा, एंड आई डोंट रियली वांट दैट। ओके, व्हाट अ टाइमिंग, यहाँ पे इंडिकेशन दिया पेट्रोल का, पेट्रोल पंप मिल गया। आइए भैया, 983 रुपीज़ अपन खाता है 200 का, ये खाता है साला 1000 का, वो भी 2-3 घंटा बाद खाता ज़्यादा यार। लवन दे दियो, अ लिटिल चार्ज्ड अप, दो ग्लास पेल दिए, दो बिस्किट पेल दिए, अभी अगेन ऑन द रोड, थोड़ा एनर्जी बढ़ गया, अभी चल जाएगा, 1-2-3 घंटा चल जाएगा, उसके बाद फिर से रुकेंगे, फिर से दो बिस्किट खा लेंगे, बस यही है। मेरे को ना ये एक्चुअली ऐसा है कि मैं जब सोलो राइड करता हूँ ना, मेरे को उतना खाने का मन नहीं, भूख लगता है लेकिन खाने का मन नहीं होता है, ठीक है। तो वही अगर मैं किसी ग्रुप के साथ हूँ, मतलब यार 2 जन या 3 जन हूँ, तब खाने का मन करता है, तब टाइम टू टाइम खाने का मन, लेकिन अकेला मैं, मेरे को लगता है सिर्फ चलाते जाओ, लेकिन यस, थोड़ा रेस्ट तो देना पड़ेगा ही, बस वही है। बाहर का बाइक देखने से ये लोग में क्या एड्रेनालिन घुस जाता है, ये देखो एमटी वाला सामने, वो कंटिन्यूअस मेरे को भड़का रहा है कि मतलब आगे जा रहा है, फिर स्पीड नीचे कर रहा है, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से आगे जा रहा है। अबे यार क्या मिलता है तुम लोग को मेरे भाई, ऐसा मत क्या करो यार। सेकेंड जूस ब्रेक, पता नहीं आज मेरा गला इतना क्यों सूख रहा है, मतलब बहुत सुस्ती आ रही है, गला सूख रहा है, मतलब 2 मिनट बाद मैं ये चीज़ समझ गया कि गर्मी के टाइम में ना, नेक्स्ट टाइम से मेरे को हाइड्रेशन बैग कंटिन्यूअस कैरी करके राइड करना होगा, बिकॉज जब राइड करता हूँ ना, पता नहीं ऑटोमेटिक बहुत गला सूखता है, एंड मतलब उस टाइम में ना पानी नहीं मिलने से ना और भी तो कैसा लगता है। सो एनीवेज, यहाँ पे अभी फराक्का का ब्रिज, जो ब्रिज क्रॉस करके टोल गेट जो है, टोल गेट क्रॉस करके अभी आगे रुके और सम जूस ब्रेक, एंड उसके बाद थोड़ा मुड़ जाएंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद देख लेंगे, लॉट एंड लॉट ऑफ मोर किलोमीटर्स टू गो। फिर से 4 ग्लास जूस पी लिया, अभी पूरा हेवी लग रहा है मेरे को। अभी 3 बज रहा है, मैप में दिखा रहा है मोर 8.5 आवर्स, तो लगभग उस हिसाब से अगर चले तो मेरे को घर पहुँचते वहाँ से 11:30 बज जाएगा रात का।
लेडीज एंड जेंटलमैन पहुंच चुके हैं मालदा। मालदा है लेफ्ट से जाना पड़ता है, सूरज पीछे है हम आगे जा रहे हैं। तो ये है ना, इसका एक एडवांटेज, सूरज पीछे होने का एक एडवांटेज ये है कि आँख में डायरेक्टली सूरज नहीं लग रहा है, तो उस हिसाब से ना आँख में लगने से और भी नींद सुस्ती ज़्यादा लगता है। फ्यूल ब्रेक 746 रायगंज का यहाँ से शुरू हो जाता है बाईपास, लेकिन इट्स नॉट डन येट। तो ये रहा सीन, यहाँ पे आके होता है बाईपास ख़त्म। इतना देर तक चल रहा था, अभी ये जो फ्लाईओवर है ये बना नहीं, तो ऑलरेडी मैं रायगंज का आधा क्रॉस करके आ चुका हूँ एंड यहाँ से बाकी करना पड़ेगा, 2-2.5 किलोमीटर और है। तो ये देखते जाओ जाओ तो सिलीगुड़ी ए जी ना। अच्छा अच्छा, ये देखो शीख कबाब। यार ये तो बवाल हो गया है, पूरा गांव के अंदर से जाते हुए एक ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है, वो देखते हुए खेतों के ऊपर से अलग ही सीन है यार। लेकिन पूरा ऑफ रोड है, यहाँ पे टाइगर चाहिए था, है ना। लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट। आई थिंक आई एम द फर्स्ट आउटसाइडर टू व्यू सच अ ब्यूटीफुल सनसेट एंड राइड ऑन दिस न्यूली मेड डालखोला रायगंज बाईपास रोड। ये रहा ना, ये रहा, यहाँ से उठ रहा है ना, ये बंद है। तो ये मीट हो गया मेन हाईवे पे, बाईपास हो गया खत्म। एक्चुअली मेरा रुकने का बात नहीं था, लेकिन रायगंज इतना जल्दी क्रॉस करके आ गया तो उस खुशी में खुद को 5 मिनट का ब्रेक दे दिया कि ले भाई चल थोड़ा रुक जा, थोड़ा ब्रेक ले ले, पानी वानी पी ले, उसके बाद निकल। तो डालखोला है अराउंड 35 किलोमीटर यहाँ से। देयर इज अ बाइक परफॉर्मिंग प्रीटी गुड भाई, इसका सिर्फ वाइब्रेशन अगर नहीं रहता ना तो इट वॉज एन ऑल इन वन बाइक। जो भी हो आई एम जस्ट नीट पिकिंग, बट रॉयल एनफील्ड है तो वाइब्रेशन होगा। अभी दिक्कत वाला बात यह है कि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो खाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा बहुत दूर खींचना पड़ेगा। सिलीगुड़ी है अराउंड 150 और समथिंग, उसके बाद मोर 150 फॉर माई होम, सो अराउंड 300 किलोमीटर लेफ्ट फ्रॉम दिस प्लेस। सो हम कोटा जाओ है जाते कुछ भी यार, कुछ भी यार, कोलकाता से आसना गाड़ी कोटा कुछ भी यार, कुछ भी यार। सुंदर को सब्सक्राइब कर दो एक हल्का कोड़ा। मिला था दो जन को रास्ते पे, सब्सक्राइब करवा दिया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय मिश्रा। विजय भाई एंड मेरा नाम दीपू वर्मा। दीपू भाई अच्छा लगा मिलके, आप भी सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ठीक है। टेस्ट हो गया चैनल है, बोल दीजिए। अच्छा आपका भी चैनल है, बोल दीजिए नाम, बोल दीजिए। फेसबुक पे है विजय वैष्णव। अच्छा यूट्यूब पे भी है विजय वैष्णव। विजय वैष्णव ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करना मेरे भाई को। आप कौन सा वीडियो बनाते हैं? हम सॉन्ग वीडियो बनाते हैं, राजवंशी खाने वीडियो बनाते हैं। अच्छा बढ़िया बढ़िया, ठीक है चलो। कैन यू बिलीव दिस इज कॉल्ड डालखोला। मतलब यहाँ पे एक सिंगल रोड हुआ करता था, मेरे को 5-10 में जाना पड़ता था, 5-10 मैक्सिमम, वो भी रुक रुक के। किशनगंज 28, सिलीगुड़ी 127। ये बन रहा है गर्मा गर्म अंडा टोस्ट और डालखोला हो चुका है क्रॉस, बाइक स्पार्क्ड, एनर्जी भरपूर है। खाना खाएंगे तो और भी एनर्जी बढ़ जाएगा, है कि नहीं? कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ये जर्नी यार इट्स ब्यूटीफुल, एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज ब्यूटीफुल, लुक्स फैंटास्टिक। फर्स्ट मील ऑफ द डे ऑब्वियसली फैंटास्टिक तो लगेगा ही। लेडीज एंड जेंटलमैन हो गया खाना ख़त्म, रेस्ट भी हो गया, ट्रांजिशन ब्रेक भी हो गया, अभी सन डाउन पूरा 254 किलोमीटर फॉर होम। चलो एक बार लाइट्स चेक कर लेता हूँ ठीक है कि नहीं। ये ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा आई थिंक, ये इतना टाइट करके लगा दिया ना ये ऊपर नहीं आएगा, इतना सही काम चलाना पड़ेगा मेरे को। देख लेता हूँ थोड़ा उठता है तो मैं उठा लेता हूँ अभी इसको।
कप ऑफ चाय ऑफ द डे. राइट नाउ द टाइम इज 9:30 एंड हम पहुंच चुके हैं धूपगुड़ी का टोल प्लाजा. धूपगुड़ी का आगे जो टोल प्लाजा है, सो मैक्सिमम 65 किलोमीटर्स लेफ्ट. आप मुंह देख के समझ सकते हो हाउ मच एग्जॉस्टेड आई एम. चाय पीते उसके बाद लास्ट 65 किलोमीटर्स कवर करके घर जाके पूरा फ्रेश हो गया. एक बार में क्रैश और कुछ नहीं यार, आज कुछ नहीं होने वाला है मेरे साथ. तो एनीवेज लेट्स हैव द टी. तो गाइस कुछ बिहार का बोर्ड मिल गया. लास्ट 40 किलोमीटर्स ऑफ द राइड अलीपुर 238.